समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों का टिकट कभी भी कट सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा ने अब तक करीब 7 से 8 प्रत्याशियों के टिकट काटकर दूसरे को प्रत्याशी बना दिया है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, मिश्रिख, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां सपा ने पहले प्रत्याशी उतारे और बाद में संशोधित कर उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया। कहा जा रहा है ऐसा कर सपा खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि टिकट कटने वाले नेता सपा के इस कदम से खासा नाराज है और मुरादाबाद में इसकी बानगी भी देखी गई है। मुरादाबाद में सपा ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन अब मुरादाबाद में रुचि वीरा का विरोध सपा कार्यकर्ता ही करते नजर आ रहे हैं। तो सपा के कंफ्यूजन पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, सीधा पब्लिक से जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर कंफ्यूजन का दौर चल रहा है। आंतरिक विरोध की मार झेल रही समाजवादी पार्टी में अब टिकट बदलने का दौर शुरू हो गया है। अब मेरठ में भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। यहां से पूर्व में घोषित उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया। अब सरधना विधायक अतुल प्रधान को यहां से सपा ने उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के लगातार उम्मीदवार बदलने पर बीजेपी ने चुटकी ली, सपा को संशोधित पार्टी करार दिया। समाजवादी पार्टी में इस समय टिकटों की अदला बदली को लेकर के एक अलग ही खेल चल रहा है। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, ये अखिलेश यादव जी बेहतर जाने, क्योंकि इनके बाप की पार्टी जो ठहरी किसी से पूछना तो है नहीं, ना परामर्श करना है। समाजवादी पार्टी यूपी में अभी तक 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। कानपुर से पचौरी साहब का जो कि कानपुर के सांसद थे उनका टिकट काट दिया जाता है, ये चर्चा का विषय नहीं है। देवरिया, बलिया, यहाँ के जो सांसद हैं मौजूदा उनका टिकट कट रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बातें होनी चाहिए वो तराजू बराबर रख के करना चाहिए। तो जितने सवाल समाजवादी के ऊपर उठते हैं उतने ही सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी खड़े होने चाहिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से सीटों पर उम्मीदवार बदल रही है उससे 2 बातें साफ है, या तो पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है या फिर पहले उम्मीदवारों के ऐलान में जल्दबाजी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको ये समझने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक कहां कहां पर उम्मीदवार बदले हैं। सीट्स आपको बता रहे हैं पहले किसको टिकट दिया गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किसका नाम फाइनल किया है। पहले आप देखिए मनोज राजवंशी मिश्रिख से उम्मीदवार, उन्हें बनाया, उसके बाद उम्मीदवार चेंज कर दिया। ऐसे ही बिजनौर में भी हुआ और ऐसे ही मेरठ में भी हुआ, पहले भानु प्रताप सिंह और उसके बाद अतुल प्रधान को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसा ही मुरादाबाद में हुआ, पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया और उसके बाद नाम फाइनल हुआ रुचि वीरा का। बदायूं में भी ठीक वैसे ही हुआ, गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखी और अब मेरठ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन में नजर आई, लेकिन इसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। वो इसलिए कि अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही 2 फाड़ देखने को मिल रही है। जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, यानी जिन्हें पहले पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, अब उनके जो समर्थक हैं वो नाराज हैं और अब उनकी नाराजगी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा इसका फायदा होने वाला है बीजेपी को ही, क्योंकि नाराजगी इन सभी सीटों पर देखने के लिए मिल रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। अब जनता क्या सोच रही है यही हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ने वाले हैं, सभी का एक एक करके रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या कह रही है। जिस तरह की इस वक्त सिनेरियो बने हुए हैं इन सभी सीटों को लेकर, वहां पर किस तरह के हालात है, वहां की आम जनता क्या सोच रही है समाजवादी पार्टी को लेकर, इस कंफ्यूजन को लेकर, यह हम जानेंगे। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग सीटों से। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप हैं बागपत से, विशाल इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं, अमित इस वक्त बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। पहले विशाल के पास आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। विशाल, कंफ्यूजन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है अभी भी, फर्स्ट फेज में ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज है, कल तक भी हमने देखा कि मेरठ का जो उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी का, कल उसको देर रात खबर आई कि मेरठ से भी पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। नहीं लगता कि अगर इसका किसी को नुकसान है तो खुद अखिलेश यादव को ही है, कि एक तरफ नाराजगी को दूर करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दूसरा ही खेमा है समाजवादी पार्टी का जो और ज्यादा नाराज हो रहा है। विशाल,
देखिए बिल्कुल, इस वक्त समाजवादी पार्टी अपनी अंतर्कलह से जो है जूझ रही है। अखिलेश यादव लगातार ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि प्रत्याशी कौन होगा, बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। हमारे साथ सीधे तमाम लोग हैं, जनता है, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ये लगता है कि आपको कि अखिलेश यादव इस वक्त तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी लगातार बार बार बदले जा रहे हैं, लड़ाई देखने को मिल रही है? देखिए, इसका एक कारण है कि ये लोग सच पे आधारित किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करते। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की जो राजनीति है बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी राजनीति है, जो देश पर देश के समर्पण करके वो राजनीति करते हैं। इसलिए जो उनके काम देश के लिए किए गए हैं, प्रदेश के लिए माननीय योगी जी के द्वारा जो किए गए हैं, वो केवल आम जन की भलाई के लिए हैं, आम जनता को सोचकर, दृष्टि में रखकर किए जाते हैं। इसलिए उनकी साफ नीयत है। और इसी अखिलेश यादव, चूंकि पहले मेरठ को लेकर जो है चर्चा चल रही थी, लेकिन कल सीट बदल दिया, उससे पहले अगर हमने देखा तो एसटी हसन और रुचि वीरा में लड़ाई हुई, रामपुर को लेकर लड़ाई हुई, आजम खान से नाराज हो गए, तो ये कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली एक परिवार की पार्टी है, पार्टी है ही नहीं है, ना कोई विचार है, ना नेता है, ना नियत है। अखिलेश जी को उनके परिवार में ही नेता आप लोग नहीं मानने वाले हैं। चाचा को कुछ और चाहिए, एक जेल वाले चाचा को कोई और चाहिए, तो पारिवारिक लड़ाई है, परिवार की का विषय है वो, कोई हमारा ऐसे और जनता वो समझ रही है। कुछ और भी लोग हैं, इसको कैसे देखते हैं जो लड़ाई जो चल रही है टिकट को लेकर सपा में? ये दरअसल ये टिकट की लड़ाई नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के अंतर्गत जो चल रहा है अंदर, ये समाजवादी पार्टी का भय है और ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक अंत्योदय के संकल्प के लिए संघर्ष करती है और जन जन तक और अपनी विचारधारा जो है। अच्छा, ये बताइए कि ये आप इधर आइए थोड़ा सा, ये बताइए कि ये जो लगातार आजम खान के जो करीबी हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया अचानक से पार्टी के विरुद्ध जाकर, अब मेरठ में प्रत्याशी बदल दिया गया, तो अगर प्रत्याशी बदलना ही था तो ये तय क्यों किया जाता है? तो आपको लगता है कि सपा इस वक्त कन्फ्यूज है, गठबंधन कन्फ्यूज है? देखिए, ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, लंबे समय की राजनीति नहीं है। जिसको आया वो अपना बटोर के ले जाना चाहता है कि जो हमको मिल रहा है वो लेकर भागे, और यही राजनीति इनको भारी पड़ रही है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, कैसे इसको देख रहे हैं इसको पूरे? भाई साहब, ये भयभीत हैं पूरी तरह से। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार घर घर पहुंचकर, अंत्योदय तक पहुंचकर, घर घर पहुंचकर जो काम कर रही है, विकास कार्य जो किया है, और जनता का रुझान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना है, इसे पूरे तरह से भयभीत है। और ये गठबंधन को लेकर जो है बहुत कन्फ्यूजन है कि टिकट को लेकर फाइनल नहीं कर पा रहे, रायबरेली अमेठी भी नहीं कांग्रेस फाइनल कर पा रही है, अखिलेश यादव टिकट बदल दे रहे हैं बार बार। चाहे लाख करो चतुराई, कर्मों के लेख मिटे न भाई। जनता ने, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने तय कर दिया है कि सपा बसपा को कूड़ेदान में डाल के फेंक देना है। क्यों? क्योंकि ये गुंडे बदमाशों का समर्थन है। कुलदीप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप का भी रुक कर लेते हैं बागपत से। कुलदीप, बागपत की जनता क्या कह रही है? अखिलेश यादव में जो इस वक्त कंफ्यूजन नजर आ रहा है, उसको लेकर बागपत की जनता क्या सोचती है? बातचीत करिए जरा लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, देखें बता दूं, मैं बागपत जनपद के बड़ौत में हूं, और जहां तक बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में जो टिकट बंटवारे को लेकर के घमासान है, उसको लेकर के बगावत भी सामने आ रही है। मेरठ में अतुल प्रधान का टिकट काटने के बाद बगावत दिखी, वही बागपत में भी चर्चाएं हैं कि जो यहां पर मनोज चौधरी है, उन्होंने उनका जो पर्चा दाखिल किया था, लेकिन अभी जो यहां पर चर्चाएं चल रही है, अमरपाल शर्मा जो पूर्व विधायक है साहिबाबाद से, उन्होंने भी पर्चा खरीदा है, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्होंने सभाएं भी की हैं। वहीं अब यहाँ हम जनता से जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो ये घमासान चल रहा है, इसमें यहाँ की जनता क्या कहती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी में घमासान है टिकट बंटवारे को लेकर के? अखिलेश यादव कंफ्यूज है, अपनी पार्टी को लेकर के कंफ्यूज है, नेताओं को लेकर कंफ्यूज है। अभी बदायूं से टिकट काटने का काम किया उन्होंने, अपने भतीजे को यहाँ भेजा, आजमगढ़ शिवपाल जी को यहाँ भेजा, अभी जो है रामपुर से टिकट बदला गया, आपका मुरादाबाद से टिकट पर लगा, मेरठ से टिकट पर लगा, कंफ्यूज है। बागपत में क्या देखते हैं, यहाँ पर वोटर क्या? नहीं, बागपत में तो एनडीए की सरकार बनने जा रही, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, और 5 लाख मतों से जीतेंगे। यहाँ पे भी मनोज चौधरी को समाजवादी पार्टी ने उतारा, जैसे अभी अमरपाल का नाम सामने आ रहा है। नहीं, उससे तो कंफ्यूज है अखिलेश जी, उनको तो ये तय नहीं कर पा रहे। हाँ, ये तो एक तरफा जो है 80-85 सीट जीतने जा रही है एनडीए। हमारे साथ और भी ऐसे जानेंगे, क्या नाम? क्या नाम है जी आपका? विनोद पांचाल। विनोद जी, समाजवादी पार्टी में घमासान है टिकट बंटवारे को लेकर के, बागपत में भी एक प्रत्याशी उतारा था समाजवादी पार्टी से, लेकिन एक प्रत्याशी और आया है, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? वो तो उनका मैटर है, हमें तो अपना पता है कि अब की बात 400 पार, और एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से।
अच्छा, जैसे कि टिकट को लेकर के समाजवादी पार्टी में चल रहा है ये कि मनोज कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज है, उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा हम चुनाव लड़क ना लड़े, ऐसा भी हो सके पर्चे ना भरे हुए आते हमारे साथ और भी जाने। पवन जी, समाजवादी पार्टी घमासान पर क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, गठबंधन हुआ है एनडीए और आरएलडी का, उसमें जो सांगवान जी है एक मजबूत कैंडिडेट है, और कंफ्यूजन है सपा में कि टिकट किसे दे किसे ना दे, कभी उसका काट दिया कभी उसका बदल दिया, मतलब कंफ्यूजन चल रहा है गठबंधन का जो प्रत्याशी। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, बधाइयों लेकर चलते हैं आपको। अमित इस वक्त बधाइयों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बदायूं की जनता क्या कह रही है समाजवादी पार्टी के इस हाल को लेकर, क्योंकि कई सारी ऐसी सीट अभी तक सामने आ चुकी है जहां पर अखिलेश यादव प्रत्याशी बदल चुके हैं, तो चारों तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है। जनता से बातचीत करिए आप जरा वहां पर। जी देखिए कांचा, बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी ने अब तक टिकट चेंज किए हैं उसको लेकर बदायूं की जनता की क्या राय है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले एक भैया है, उनसे जान लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? आमिर सुल्तानी। जो समाजवादी पार्टी ने जो टिकट लगातार बदले जा रहे हैं, ये क्या कहेंगे आप इसको, क्या कंफ्यूजन की स्थिति है कि टिकट शायद नहीं हो पा रहे हैं? देखिए लड़ाई जब बड़ी होती है ना, कोई किसी चीज को देखा नहीं जाता। यहाँ लड़ाई सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनिज्म की है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, यहाँ झूठ और सच की लड़ाई है, और यहाँ लड़ाई है नफरत की और मोहब्बत की। उस लड़ाई को देखना है हमें, वो बड़ी लड़ाई है, उसमें टिकट किसका होता है किसका नहीं होता ये बहुत बड़ी बात नहीं रखती है। हमारा मकसद एक होना चाहिए कि जो भी ये फिरका परस्त ताकते हैं उनके खात्मे के लिए एक साथ इंडिया गठबंधन। तो आप मानते हैं कि जो टिकट चेंज हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है आपको कि नाराजगी सामने से झेलना पड़ेगी? जैसे अभी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मुरादाबाद में कोई नाराजगी नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी नाराजगी नहीं है। टिकट अगर वापसी होता है, अगर हम बात आप समाजवादी की कर रहे हैं, बीजेपी में कितने टिकट बदले गए, काटे गए, सिटिंग एमपीओ को काटे गए, यहाँ बदायूं के सांसद संगमित्रा मौर्य जी थी उन्हें टिकट काट के दूसरों को टिकट दे दिया गया, भगवत सिंह यहाँ अरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, पीलीभीत में इस मंडल में कितने टिकट काट गए, रामपुर संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया गया। तो टिकट तो काटना एक प्रक्रिया है, अगर पार्टी जब होती है तो उसमें टिकट काटती है देती है किसी। हमारा लक्ष्य एक है कि नहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर अब लोगों ने जो विचार बनाया वो इंडिया गठबंधन के लिए बनाया है, और मतलब जो है कि चलिए। और एक भैया है, उनसे थोड़ा सा ये जो टिकटों का जो घमासान चल रहा है, कभी मुरादाबाद का टिकट चला जाता है, क्या स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? किसी भी प्रत्याशी कोई भी पार्टी सारे तक शहर में विकास होने, और हम लोगों को विकास चाहिए, हम लोगों को टिकट से मतलब नहीं, किसका कटा किसका नहीं कटा। ठीक है, मैं आपके पास से वापस लौटती हूँ, एक बार फिर से विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं। विशाल, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए, किस तरह का माहौल है और लखनऊ की जनता इसे किस तरह से देख रही है? देखिए बिल्कुल, हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ये जो सीट बदलने को लेकर जो एक कंफ्यूजन रहता है, ये किस वजह से आप देखते हैं कि क्यों आखिरकार ऐसा होता है? क्योंकि शिपाल यादव की जो है पहले जो धर्मेंद्र यादव को बदायूं बनाया, फिर क्या शिपाल कर दिया, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया, तो ये कन्फ्यूजन परिवार में भी दिखाई पड़ता है। इनके ऊपर हार का डर है, ये जानते हैं कि हमारी पार्टी को इस बार सभी सीटों पर हारना पड़ेगा, इसके कारण। और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का इस समय बढ़ता हुआ ग्राफ है, इससे ये घबराए हुए हैं, और घबराना के कारण ये कन्फ्यूजन में है। इनका कन्फ्यूजन इनको और नुकसान पहुंचा रहा है। वास्तव में इनकी जो नीतियां हैं, जो इनका मुस्लिम प्रेम है, जो इनका जातिवाद है, ये इनको इस बार नुकसान पहुंचाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ देगा। अच्छा, ये जो लगता है आपको कि कुछ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला जा रहा है टिकट को लेकर, क्योंकि पहले गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बवाल हुआ, उसके बाद सीट शेयरिंग हुई, तो उसके बाद टिकट को लेकर बवाल हो रहा है? देखिए चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आएगा त्यों तो ये भयभीत हो, ये पीडीए चिल्लाते हैं, लेकिन पीडीए का काम करते नहीं है, और सारे लोग सर्व समाज काम भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है, इसलिए कुछ और। अच्छा ये तो ये आपको लगता है कि अभी लड़ाई और बढ़ेगी टिकट बंटवारे को के बीच में जो?
अब इन्होंने, इनका तो इतिहास रहा है, इन्होंने परिवार निर्माण, संपत्ति निर्माण और जाति निर्माण पर काम किया है शुरू से, तो इसके इनके अंदर तो निरंतर भय बना ही हुआ है। ये जान रहे हैं कि हमारा, हमें अस्तित्व बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इनके अंदर ये भाव आ रहा है कि ये हमारी सीट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, इसी भय के कारण ये रोज रोज टिकट बदल रहे हैं। और उसी के सामने जो भारतीय जनता पार्टी है, देखिए ये टिकट, देखिए ये जो है, ये टिकट का कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार जैसा कि मेरठ को लेकर विवाद हुआ, भानु प्रताप सिंह को ले आ दिया गया क्योंकि भानु प्रताप सिंह वहाँ के हैं भी नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो है पहले बदायूं से जो है धर्मेंद्र यादव का टिकट करते हैं, उसके बाद शिपाल यादव को भेज दिया जाता है, रामपुर में भी आजम खान ने विद्रोह कर दिया, रामपुर के साथ साथ मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में जो है आजम खान के आगे जो है अखिलेश यादव ने जो है नतमस्तक हुए, उन्होंने एसटी संघ का टिकट काटा जो पहले से घोषित था और वहाँ में नामांकन दो दो आदमी ने कर दिया लेकिन रुचि विराग का नामांकन सही हुआ। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि शायद फैसले लेने में अभी जो प्रतिबद्धता होती है वो नहीं दिखाई पड़ रही अखिलेश यादव। ठीक है विशाल, मैं आपके पास वापस लौटते हैं, इस वक्त कुलदीप भी हमारे साथ, कुलदीप का फिर शुरू करते हैं। कुलदीप जरा आप कुछ और लोगों से बातचीत करिए वहाँ पर। बिल्कुल आकांक्षा, हमारे साथ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कहते हैं वो, क्योंकि समाजवादी के पार्टी में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर के बागपत के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बागपत में भी उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है और प्रत्याशी भी यहाँ मैदान में है, जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? गोभी तोमर बावली, राष्ट्रीय लोकदल। गोभी जी, समाजवादी पार्टी में घमासान चल रहा है, समाजवादी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो खुद ही मत नहीं जुटा पा रहा अपना जो है फॉर्म भरने की, कैंडिडेट उसको मिल नहीं रहे, अगर एक आधा ढूंढ भी रहे बागपत में कहीं गाजियाबाद से ढूंढ रहे, वो गैंगस्टर है, योगी जी को गैंगस्टर पसंद नहीं है, उनको जो है कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे, अखिलेश कंफ्यूजन में है क्या? कंफ्यूज है, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। आप बाबा के उसमें एनडीए सरकार यूपी में 80 और पूरे देश में 400 एनडीए और दो राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की जोड़कर 402 सीट जीत रहे। और भी है हमारे साथ, जानेंगे। क्या नाम आपका? अंकित बड़ोली। अंकित जी, समाजवादी पार्टी में घमासान चल रहा है, सीट बंटवारे को लेकर के बगावत सी है, क्या कहेंगे? इसमें तो घमासान ही रहता, पहले ही रहता, पहले बापू बेटे में घमासान था, फिर चाचा गेल घमासान था, ये प्रत्याशी गेल घमासान है, प्रत्याशी मिल नहीं रहे, कहीं गाजियाबाद तलाव है, कभी मेरठ तलाव है, कभी कहीं तलाव है, इनके पास कोई प्रत्याशी ना है, ये तो ये जनता का क्या भ्रम दूर करेगा अखिलेश जी पे, अपने भ्रम दूर नहीं हो रहा। एनडीए से राजकुमार सांगवान है तो समाजवादी पार्टी कैसे, क्या कैसे लड़ेगी आप? यहाँ लड़ी कहाँ रही समाजवादी पार्टी, जिन्हें नहीं पता मैं किसे लड़ाना, पर्चे खरीद रहे चार चार आदमी, तो यही कहना कि समाजवादी पार्टी का है टिकट ही ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है। और भी हम जानेंगे, क्या नाम है? सचिन राणा। सचिन जी, क्या कहेंगे? कोई भी लड़ लियो चुनाव तो 70% वोट जो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान की है, यही नहीं है चुनाव तो किसी को ले ही हो, 70% चल रहा है बगावत है समाजवादी, बगावत में अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ा गया, वो भी 10 यहाँ सी का। अच्छा और भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोती जैन, अध्यक्ष व्यापार मंडल करूँ। अच्छा, जैसे कि मेरठ में अतुल प्रधान को टिकट दिया है टिकट काट करके, बागपत में भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, नामांकन पत्र खरीदा है समरपाल सिंह ने, क्या कहेंगे? नहीं, बागपत में तो देखो एनडीए का एक प्रत्याशी जीतेगा, हम राष्ट्रवादी सोच के आदमी है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी की सीट 100% जीतेगी, बहुत जीतेगी, बहुत